नमस्कार दोस्तों मैं भुवन भुवंतरागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों अगर आपकी कंपनी एन कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट के अलावा आर भी गवर्न करता है और अगर आपकी कंपनी में मैनेजमेंट में कोई चेंज करना है मतलब डायरेक्टर्स में चेंज होने वाले हैं या फिर शेयर होल्डिंग में कोई चेंज करना है आपको कितना परसेंट आप शेयर होल्डिंग चेंज कर सकते हो इन ए ईयर क्या आपको उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी इसके लिए आर का मास्टर डायरेक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा तो मास्टर डायरेक्शन जो है एन स्केल बेस रेगुलेशन है डायरेक्शन 2023 जो कि अक्टूबर 19 2023 को आया हुआ है मास्टर डायरेक्शन जो है तो ये मास्टर डायरेक्शन प्रायर अप्रूवल से रिलेटेड क्या प्रोविजन इसके अंदर लिखे हुए हैं चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चलिए शुरू करते हैं इसका पैरा नंबर फोर्टी कहता है एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ एन बी एफ सी तो पैरा फोर्टी टू वन वन कहता है एन बी एफ सी सेल रिक्वायर प्रायर रिटर्न परमिशन प्रायर रिटर्न परमिशन ऑफ आर बी आई फॉर फॉलोइंग पहला है एनी टेक ओवर या एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ऑफ एन बी एफ सी कोई टेक ओवर होगा या फिर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल होगा एन बी एफ सी का मे और मे नॉट रिजल्ट इन चेंज इन मैनेजमेंट जिससे मैनेजमेंट में चेंज हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो फिर भी आपको प्रायर अप्रूवल लेनी रहेगी इसका दूसरा पॉइंट कहता है एनी चेंज इन शेयर होल्डिंग कोई भी चेंज हो रहा हो शेयर होल्डिंग में एन की इंक्लूडिंग प्रोग्रेसिव इंक्रीज ओवर द टाइम एक बार में आपने चेंज किया या फिर प्रोग्रेसिव मतलब साल दर साल आप चेंज कर रहे हो विच वुड रिजल्ट इन एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ ट्वेंटी सिक्स परसेंट मतलब चेंज कितना आ रहा हो 26 परसेंट का साल दर साल आप चेंज करो जैसे करते करते आपका 26 परसेंट हो गया हो या फिर इकट्ठे आपने 26 परसेंट चेंज कर दिया है ट्रांसफर कर दिया है तो ऐसे ही प्रोग्रेसिव चेंज करते हुए आपका 26 सिक्स परसेंट बियॉन्ड हो गया तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रोवाइडेड दैट प्रायर अप्रूवल वुड नॉट रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल कब नहीं चाहिए इनकेस एनी शेयर होल्डिंग गोइंग बियॉन्ड ट्वेंटी ड्यू टू बाय बैक और रिडक्शन इन कैपिटल अगर बायबैक और रिडक्शन की वजह से आपका जो शेयर होल्डिंग अब 26 परसेंट से ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उस केस में आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है क्योंकि इट हैज़ अप्रूव्ड ऑफ कंपिटेंट कोर्ट हाव एवर सेम इज रिपोर्टेड टू आर नॉट लेटर देन वन मंथ फ्रॉम द अकरेंस आपको ये इन्फॉर्म तो आर को करना रहेगा चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तीसरा पॉइंट कहता है एनी चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ एन बी एफ सी विच वुड रिजल्ट इन चेंज इन मोर देन थर्टी परसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब तीस परसेंट से ज़्यादा अगर डायरेक्टर्स में चेंज आता है चाहे अपॉइंटमेंट हो रही हो या फिर रिजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर हो रहा हो तो चेंज जो है वो थर्टी परसेंट का आ रहा है तो उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हो या रिज़ाइन करा रहे हो उसमें आपको प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है प्रोवाइडेड दैट प्रायर अप्रूवल वुड नॉट रिक्वायर्ड इन केस डायरेक्टर हु गैट री इलेक्टेड ऑन रिटायरमेंट बाय रोटेशन अगर रिटायर बाय रोटेशन हो रहा है और री एलेक्टेड हो रहे हैं तो उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अब फोर्टी टू वन टू कहता है कि नथिंग विद स्टैंडिंग पैराग्राफ फोर्टी टू पॉइंट वन वन एन बी एस सी सेल कंटिन्यू टू इन्फॉर्म आर बी आई रिगार्डिंग चेंज एनी चेंज इन देयर डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट मतलब कंटिन्यू का चाहे आपको प्रायर अप्रूवल की जरूरत है या नहीं है फिर भी अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो या रिजाइन करवा रहे हो आपका थर्टी परसेंट वाला जो क्राइटेरिया है पर ईयर है यहाँ पर ये क्राइटेरिया डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट और रिजिग्नेशन के केस में तो उस केस में अगर आपका हिट नहीं करता है फिर भी आपको अपॉइंटमेंट और रिजिग्नेशन के केस में आपको आपको आर को इंटीमेट करना रहता है फ्रेंड्स तो ये थी प्रायर अप्रूवल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स इन द मास्टर डायरेक्शंस तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी फिर मिलते हैं इसी तरह की एन बी की एक नॉलेज सीरीज़ के अंदर जिसमें हम एन के बारे में बात करेंगे तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे जय हिंद बाय बाय